हेलो गाइस, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक आर्ट वर्कशॉप कर सकते हो। तो जैसा मैं सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखला रहा हूँ, जिसमें आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हो अपने आर्ट वर्क के थ्रू, ऑफलाइन कैसे कर सकते हो, आप एग्जीबिशन कैसे लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए। उसी में से एक तरीका है आपका आर्ट वर्कशॉप। अब ऑब्वियसली आर्ट वर्कशॉप आपको फिज़िकली ज़्यादा करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बट इससे आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जिस भी स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर रहे हो, उनको वो एक लॉन्ग टर्म आपके लिए स्टूडेंट्स बन सकते हैं। आपका अगर कोई पेंटिंग क्लासेस चलता है तो आप उसके अंदर भी उन्हें बुला सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इसके अंदर आ सकते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए सीधा मैं इस वीडियो को बढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कैसे आप एक आर्ट वर्कशॉप करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये जानना है कि आप क्या चीज़ सिखला सकते हो। ठीक है, अब आप एज एन आर्टिस्ट आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, बहुत तरीके के पेंटिंग्स करते होंगे, वाटर पेंटिंग्स भी करते होंगे, आप फैब्रिक भी करते होंगे, ऑयल पेंटिंग्स करते होंगे, बहुत सारी। बट आपका कमांड किसके अंदर है और किसके अंदर सबसे अच्छा आपका कमांड है, आपको वो चीज़ पकड़ना है। पहला हो गया कि आपका स्ट्रेंथ किस में है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट को सिखलाने वाले हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिखला रहे हो, तो एक्चुअली वो क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप नेचर पेंटिंग्स आप बना रहे हो कोई भी, तो मे बी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। बट अगर आप पोर्ट्रेट बनाना सिखला रहे हो किसी का भी चेहरा, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपको ये देखना है कि क्या चीज़ लोग ज़्यादा सीखना चाहता है, उस तरीके का चीज़ दिखाओ। थर्ड हो गया कि वो सिंपल होना चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट भी बनाना सिखा रहे हो तो वो इतना सिंपल होना चाहिए कि 3 दिन के अंदर अंदर वो लोग पूरा 100% तो नहीं बट काफ़ी हद तक एक पोर्ट्रेट बना सके, उतना होना चाहिए। अगर एट द एंड भी वो नहीं बना पाए तो उनको लगेगा कि दे आर चीटेड, उनको जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा उनको नहीं मिला, जो चीज़ उनको बोला गया था कि आप 3 दिन के अंदर पोर्ट्रेट बनाना सीखोगे वो वैसा नहीं सीख पाएंगे। ऑब्वियस बात है 3 दिन के अंदर कम्प्लीटली कोई नहीं सीख सकता है, बट 3 दिन के अंदर वो रफली एक बना सके वैसा पोर्ट्रेट की रिजेंबल करे कि हाँ उसी का चेहरा है, तो कम से कम वो उस लेवल तक वो सीख सके। उसके बाद तो उनका प्रैक्टिस डिपेंड करता है। तो आपको पहला तो ये जानना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, दूसरा कि लोगों को क्या चाहिए, और तीसरा कि वो 3 दिन के अंदर सीख सके। एक एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वर्कशॉप अगर आप देखो तो 3 दिन का होता है, जिसके अंदर आप उनको सारी चीज़ें सिखलाते हो। ठीक है, अब ये 3 दिन का वर्कशॉप होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि आपको क्या चीज़ डिसाइड करना है, क्या पॉइंट डिसाइड करना है कि आप उस कोर्स के अंदर क्या चीज़ सिखलाओगे, कैसे कैसे सिखलाओगे। मतलब कि आपने सोच लिया कि अब मैं पोर्ट्रेट सिखलाऊंगा बनाना, ठीक है, अब उसको आप ब्रेक करो कि फर्स्ट डे पे आप क्या सिखलाओगे, सेकेंड डे पे क्या सिखलाओगे, थर्ड डे पे आप क्या सिखलाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे पे मैं बेसिक स्केचिंग उनको सिखला सकता हूँ कि कैसे आईज़ बनाते हैं, कैसे ईयर्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, बेसिक लेआउट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। सेकेंड डे के अंदर मैं स्केचिंग सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप स्केच कर सकते हो, और थर्ड डे के अंदर मैं उनको फिनिशिंग सिखाऊंगा कि उसको एक फिनिश आउटलुक कैसे देते हैं। तो इस तरीके से मैं एक उसको सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने उसके अंदर, मैं अगर उनको पहले उनका बेसिक सिखलाऊंगा जैसे थ्योरी सिखलाऊंगा तो वो कैसे सिखलाऊंगा, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, टाइप्स ऑफ अगर शेप्स मैं उनको सिखलाता हूँ तो वो कैसे मैं दिखला सकता हूँ, किस किस तरीके के आइज़ का शेप होता है, लड़के का कैसा होता है, लड़की का कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मुझे कैटेगराइज करके रखना होगा कि थ्योरी के अंदर मैं क्या सिखलाऊंगा, प्रैक्टिकल के अंदर क्या सिखलाऊंगा, वो सारी चीज़ें। और सबका मुझे एक टाइम लिमिट भी बांध के रखना कि इतने देर के अंदर मैं एक प्रेजेंटेशन ख़त्म कर दूंगा, इतने देर के अंदर मैं जो उनको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वो ख़त्म कर दूंगा, इतने देर का उनको प्रैक्टिस टाइम दूंगा। तो वो सारा टाइम लिमिट आपको खुद से प्रैक्टिस करके वो देखना होगा कि आप उतने देर में उतने चीज़ें कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब आपके पास कोर्स डिसाइडेड है, क्या सिखाने वाले हो, कैसे सिखाने वाले वो भी आपको डिसाइडेड है। अब आपका बारी आता है कॉन्टैक्ट करना कि आप कहाँ पे वर्कशॉप करोगे। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी एक स्कूल में वर्कशॉप कराते हो या फिर किसी एक एनजीओ में या फिर किसी एक कॉलेज में करवाते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप देखो कि स्कूल्स के अंदर आर्ट का एक सब्जेक्ट होता है और आप एडिशनल आर्ट वर्कशॉप उनको करवा सकते हो। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग उसके लिए पे करेंगे और वो लोग आपके जो आर्ट वर्कशॉप है 3 दिन का उसको वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स स्कूल्स में रेगुलरली ऑर्गेनाइज कराया ही जाता है, तो आप भी एक अपना आर्ट वर्कशॉप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हो।
इसके लिए कई बार स्कूल्स वाले कुछ पैसे लेते हैं या फिर कई बार नहीं भी लेते हैं, तो वो चीज़ आपको स्कूल वालों से ही बात करके डिसाइड करना पड़ेगा। उनके जो भी प्रिंसिपल्स होंगे उनसे आपको बात करके डिसाइड करना होगा। सेम गोज़ विद द कॉलेज एज वेल। काफ़ी सारे कॉलेज में जो आपका कमिटी होता है, जो भी एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी कमिटी जितनी होती है, वो लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो बात करके। ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो आप स्कूल्स में पहला फोकस करो। सेकेंड हो गया, आप एनजीओ में जा सकते हो। एनजीओ में आपको क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पे रेगुलरली इस तरीके के एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। अब ऑर्फनेज हो गए, ऑर्फनेज के अंदर भी आप सिखला सकते हो, तो काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज़ हैं, ऑर्फनेज हैं, जहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको चांस मिला आप वहाँ पे आर्ट वर्कशॉप करा सकते हो। एक दो भी अगर आपने आर्ट वर्कशॉप अच्छे से करा लिया तो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास वहाँ का फोटोज़ रहेगा, वीडियोज़ रहेगा कि लोग कितना खुश होते हैं, कितने अच्छे से बनाते हैं। अगर आपको आप दिखला सकते हो कि क्या वैल्यू आप डिलीवर करते हो, लोगों को रियली वो वैल्यू मिलता है, तो और लोग भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। एक दो जगह पे आप ऑर्गेनाइज कर लोगे तो तीसरे चौथे जगह ऑटोमेटिकली वो लोग आपको हाँ कर देंगे, और हो सकता है पांचवे छठे जगह पे आपको वहाँ से कॉल आ जाए कि आप करवाओ। आप जाके कांटेक्ट नहीं भी करोगे बट वो लोग खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट, एक बार आप डिसाइड कर लिए, एक बार आपको फाइनलाइज हो गया कि यहाँ पर आपको वर्कशॉप कराना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो चार्ज है आपका इसका आर्ट वर्कशॉप का, उसका आपको चार्ज डिसाइड करना है कि आप क्या चार्ज रखोगे। अब चार्ज सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मन में सोचोगे कि मुझे इतना कमाना है इसलिए मैं ये चार्ज रखूँगा, आपको उसके अंदर और भी चीज़ें देखनी है। अगर आप जहाँ ऑर्गेनाइज़ करो वो लोग भी कुछ चार्ज आपसे करने वाले हैं, तो आपको वो अमाउंट भी ध्यान में रखना है। आपको ये देखना है कि कितने लोग पॉसिबली आने वाले हैं, कितने लोग आ सकते हैं, आपको वो देखना है। कितने लोगों को आप हैंडल कर सकते हो वो भी आपको देखना है। एक बार में 1,000 लोग ने इनरोल कर लिया और आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, तो वो भी देखना कि आपका कैपेसिटी कितना है कि आप कितने लोग को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उसमें आप कितने बेसिक मटेरियल्स देने वाले हो। अगर आप कोई भी एग्जीबिशन करा रहे हो, कोई भी वर्कशॉप करा रहे हो आप, तो आपको देखना कि आप मटेरियल्स अपने साइड से दो। ये मैं आपको बोलूँगा कि आप कभी भी ये मत बोलना कि अच्छा मैं वर्कशॉप कराने वाला हूँ, घर से तुम लोग पेपर पेंसिल कलर्स लेकर आना। आप भले ही ऐड कर दो, है ना, आप भले ही छोटे छोटे कलर्स आप ला दो, वो चलेगा, बट आप उनको मत बोलो कि आप लेकर आना, क्योंकि एक अलग सा बर्डन हो जाता है। आप अभी बहुत सारे सैम्पल्स वाले जो छोटे छोटे कलर्स आते हैं, आप वो वाला रख लेना। पेंसिल्स हो गए तो पेंसिल्स का तो काफ़ी कम कॉस्ट होता है, वो आप रख लेना। हाँ, अब स्टेडलर और ये सब पेंसिल्स आप मत रखना, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। एक बेसिक फेबर कैसल का आप रख लेना। तो इस तरीके के पेंसिल्स शेडिंग्स के लिए आप रख सकते हो, वो चीज़ें दे सकते हो, और सेम कोर्स के ही अंदर आप ऐड कर देना। आप बता भी सकते हो, आप उनको बोल भी सकते हो कि आप कोर्स के अंदर, मैं जो भी है आपका वर्कशॉप है उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें देने वाला हूँ, ये सारे मटेरियल्स आपको देने वाला हूँ। तो आपको नहीं सोचना, अगर आप एक पेंटिंग करवा रहे हो, जैसे वाटर कलर पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, तो आप एक एप्रन भी उनको दो, ठीक है। एप्रन आप प्लास्टिक वाला भी दे सकते हो, पतला सा एक यूज़ एंड थ्रो वाला भी आता है एप्रन है, वो वाला भी आप दे सकते हो। आप छोटा सा एक उनको कैनवास स्टैंड और एक छोटा सा कैनवास बोर्ड उनको दो, पेंटिंग्स के लिए जितने भी कलर्स होते हैं छोटे छोटे वो सारे आप दो, और कुछ दो तीन ब्रशेज आप उनको दो। ये ज़रूरी है, आप उनको कभी भी ये मत बोलना कि आप ले कर आना। ये सारी चीज़ें आपका डिसाइड हो गई कोर्स प्राइस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया कि कैसे आप उसको प्रेजेंटेबल बनाओगे। तो आपका जो वर्कशॉप है उसको आपको प्रेजेंटेबल बनाना है। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको उसके लिए कुछ प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, पीपीटीज, आपको उसके लिए कुछ थ्योरी मटेरियल्स निकाल कर रखने हैं, कुछ सैम्पल्स निकाल कर रखने हैं। जैसे मैं पकड़ के चलता हूँ कि आप पोर्ट्रेट सिखाने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ एक बेसिक्स देना है कि आपको कैसे पोर्ट्रेट बनाया जाता है, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, ये रेगुलर आपको क्रिस्प में बनाना है, आधे एक घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप उनको बेसिक्स दे दो कि ये चीज़ें होती है। उसके बाद आपको वहाँ पे खुद लाइव दिखलाना है कि चीज़ें कैसे बनाते हैं। आप फेस का पहले एक स्ट्रक्चर दिखाओ, आइस का एक स्ट्रक्चर सामने आप बना के दिखाओ, ये भी आपको क्रिस्प रखना है, आधे एक घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड आपका हो गया कि सैम्पल्स। अगर आप
जो भी चीज़ें आप दिखला रहे हो उसका एक प्रिंटआउट आप जेरोक्स करके रखो, और दो तीन शीट, चार शीट, पांच शीट आप इस तरीके से प्रिंटआउट करके आप वो हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कि आप जब समझा रहे हो तो वो उस चीज़ को देख सके। फिर जब वो खुद से उस चीज़ को आप बनाने के लिए आप बोलोगे उन्हें, तो वो सैम्पल के तौर पर बगल में वो देख सकें, नहीं तो आप सीधा सीधा स्लाइड में आप उसको रख सकते हो, स्लाइड में वो लोग देख कर कि कैसा बना हुआ है वैसा देख कर वो लोग बना सकते हैं। अगर आप प्रिंटआउट देते हो तो वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है, ज़्यादा वो लोग सामने से देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म होना चाहिए आपके वर्कशॉप का। उसके बाद लास्टली होता है आपका शो टाइम। तो जब आपका वर्कशॉप स्टार्ट होना है वो आपका शो टाइम हो गया, और उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, सारी चीज़ों का प्रैक्टिस आपको पहले से करके रखना है। कैसे आप प्रेजेंटेशन बोलने वाले हो उसका आपको प्रैक्टिस करके रखना है, जो आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे वो आपको प्रैक्टिस करके रखना है। और शो टाइम के टाइम में आप जब सारे लोग इनरोल कर लेंगे तो आपको पता है कि कितने लोग वहाँ पे आने वाले हैं। जब आपको ये पता है कि कितने लोग आने वाले हैं, तो आप, अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते, तो आप एक हेल्पर को रख लो। आप उस हेल्पर को लेकर अपने साथ रख सकते हो, मे बी वो एक आर्टिस्ट ना हो, बट अगर किसी को कोई ज़रूरत रहा, किसी का पानी गिर गया, किसी का कलर लग गया, कुछ भी होता है, तो वो उसको जल्दी से ठीक कर दे, उसको पानी दे दे, आपका एक हेल्पिंग हैंड वो हो जाएगा। प्रेजेंटेशन करना है वो स्लाइड्स फॉरवर्ड कर देगा, जो भी चीज़ है आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड होगा। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दो तीन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, हेजिटेशन होगा, नर्वसनेस होगा कि मैं कैसे करूँगा, बट दो तीन वर्कशॉप आप करवा लोगे तो आप खुद आपके अंदर बहुत फ्रैंकनेस आ जाएगा, और इसको आप काफ़ी अच्छे स्केल पर लेके जा सकते हो। जैसे जैसे लोग कंटिन्यूसली आने लगेंगे, लोग इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, एक स्कूल, दो स्कूल, चार स्कूल करते करते काफ़ी सारे स्कूल्स में आपका आर्ट वर्कशॉप होगा और सारे लोग आपको जानने लगेंगे। अब जो आप आर्ट वर्कशॉप में जितने स्टूडेंट्स आए हैं वो सिर्फ वहाँ पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर आप पेंटिंग सिखलाते हो तो आप डायरेक्टली उनको भी अप्रोच कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मैं पेंटिंग सिखलाता भी हूँ। जो 3 दिन का आपका डेमो देख चुका है, 3 दिन का आपका वर्कशॉप देख चुका है, उसको पता है कि आप क्या वैल्यू देते हो, किस तरीके से सिखाते हो। और ऑब्वियस सी बात है, जितने भी लोग उस आर्ट वर्कशॉप के अंदर है, मतलब कि वो लोग हाईली इंटरेस्टेड है, वो लोग इतने इंटरेस्टेड है कि वो पे करके 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म भी उस चीज़ को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो आपके परमानेंट क्लाइंट भी बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जो आप बिल्ड कर सकते हो, और आपका रेगुलर इनकम इससे होता रह सकता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने के लिए, थ्रू योर आर्ट वर्क एंड थ्रू योर पेंटिंग्स। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सेम इस आर्ट से रिलेटेड इस फील्ड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पेंटिंग्स के ही फील्ड को मैं और चीज़ों में लेकर जाऊं, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूं और मेरा एक और कोर्स चलता है जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स रहता है, जिसके अंदर मैं फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको ABCD भी नहीं पता इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाएंगे, 5-6 तरीके के सॉफ्टवेयर्स आपको सिखलाते हैं। बहुत लंबा कोर्स है वो वाला, आपका काफ़ी समय लगेगा, बट अगर आप कम्प्लीटली डिसाइडेड हो कि मुझे ये करना है तो आप उस कोर्स के अंदर आ सकते हो। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम लोग सारी चीज़ें सिखलाएंगे, उसका हर एक मटेरियल सिखलाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, कैसे आप क्लाइंट हैंडल कर सकते हो, कैसे आप कोटेशन बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं ऑनलाइन कोर्स के अंदर। और इसका एक ऑफलाइन कोर्स भी है जो कि मैं खुद अपने फर्म के अंदर मैं लोगों को सिखलाता हूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सिखलाता हूँ, तो आप वो भी कोर्स चेक कर सकते हो। उसके अंदर मेरे खुद के सारे एक्सपीरियंस, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस, मेरे साइट एग्जीक्यूशंस और जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।